दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे टीके ब्लॉग्स में। तो दोस्तों आज आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं कि वैक्यूम क्लीनर कैसे रिपेयर करें। तो दोस्तों ये है हमारा वैक्यूम क्लीनर जो कि दोस्तों ख़राब हो चुका है। मैं चला रहा था तो चलते चलते ये ऑफ हो गया था, अपने आप ही बंद हो गया था। यानी कि इसके अंदर पता नहीं क्या कमी आ गई है। तो पहले भी एक बार ख़राब हुआ था जो कि मैंने मैकेनिक से ठीक कराया था। काफ़ी चार्ज वो ले लेते हैं ठीक करने का। अगर बाई चांस क्या होता है कि इसकी जो ये वायर है इस तरह से हम निकालते हैं तो ये कई बार अंदर से खींच जाते हैं और इसकी वायर वगैरह टूट जाती है तो उसके कारण ये चलना बंद हो जाता है। तो दोस्तों वो काफ़ी चार्ज ले लेते हैं एक बार रिपेयर कराने से, 300 से 400, कई कई 500 भी ले लेते हैं। तो दोस्तों मैंने आज सोचा क्यों ना घर पे ट्राई किया जाए, पहले रिपेयर करने की कोशिश की जाए। तो दोस्तों इसलिए मैंने आज ये रिपेयर करने जा रहा हूँ। चलिए आप लोगों को एक बार ऐसे चला के लगा के देख लेते हैं दोस्तों चलता है कि नहीं। तो इसके हम ये तार निकालते हैं और प्लग में लगाते हैं, देखते हैं चलती है कि नहीं चलती है। तो दोस्तों ये मैंने प्लग में वायर लगाई थी, ये चल नहीं रहा है। चलिए इसको अब हम ओपन करते हैं फटाफट। तार थी जो वो सारी मैंने यहाँ से अंदर खींच लेता अपने आप ऑटोमेटिक। तो इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए दोस्तों इसमें चार पेंच दे रखे हैं तो इसको हम ओपन करते हैं। चलिए ये वाला लग नहीं रहा, दूसरा ले आते हैं। तो चलिए दोस्तों ये इसके लिए मैं दूसरा पेच लाया हूँ क्योंकि इसमें जो बीच में देख सकते हैं ज्वाइंट होता है, तो इसके कारण दोस्तों इसको इस तरह से एक साइड से दूसरी साइड रिमूव करके लगा सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये वाला काफ़ी छोटा पड़ रहा है इसके लिए, इसका जो छेद है होल है वो काफ़ी नीचे तक जाता है। तो चलिए इसको हम ओपन करते हैं फटाफट। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि ये क्यों नहीं चल रहा था, क्यों नहीं इसमें मतलब ये चल रहा था, तो ये जो देख लीजिए ये तार है इसकी, ये बाहर निकली हुई वहाँ से उसमें लगती है। ये आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा अंदर, काफ़ी अंदर है, ये देख लीजिए वो जो है इस पेच की मदद, पेचकस की मदद से हम आप लोगों को दिखाते हैं। ये जो है ना यहाँ से इसकी तार जो है कि निकल गई थी, इसलिए दोस्तों ये चल नहीं रहा था। और इतने से ही काम के लिए वो आप लोगों को बता देंगे कि इसका फ्यूज जुड़ा था जी, इसकी मोटर सड़ गई थी या कुछ भी बता सकते हैं आप लोगों के लिए। इतने से ही काम के लिए वो काफ़ी चार्ज ले लेते हैं, 200, 250, 300। तो इसलिए दोस्तों मैंने छोटी सी आप लोगों को वीडियो बना के दिखाने के लिए, मतलब कि आप घर पे भी छोटी मोटी चीज़ें जैसे छोटे मोटे काम होते हैं वो रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने दोस्तों ये घर पे वीडियो बनाई है। चलिए इसकी वायर को जो है कि हम लगा देते हैं, उसमें कोशिश करते हैं कैसे ना कैसे करके लगाते हैं। वो जो देख सकते हैं ना आप अंदर इसकी वायर है, ये यहाँ से निकल गई है। तो इसको हम लगाने के लिए इसका किसी तरह से उपयोग करते हैं। ये देखिए पहले से इन्होंने तार ही जोड़ी थी, मेरे से 400 रुपये चार्ज किया था, पर इतने से काम के लिए आपका समय भी बर्बाद जाएगी। मतलब इसको 2-3 दिनों के लिए वो अपने पास कहेंगे कि छोड़ना पड़ेगा या कुछ भी कह सकते हैं। तो दोस्तों छोटे छोटे काम खुद घर पे करना सीखो अच्छा रहता है, और खुद करो तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो चलिए इसको लगाते हैं, कोशिश करते हैं फटाफट। चलिए इसको हम इस तरह से रखते हैं और इसमें एक ये पेंच लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है। इसको क्या करेंगे हम इस तरह से थोड़ा सा खोलते हैं, उठाते हैं ऊपर, फिर इसकी वायर लगाते हैं, देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये इसका निकल आया है, और इस वायर को क्या करेंगे हम इसमें लगा देंगे डायरेक्टली, और अंदर से ही निकालते हैं, और अंदर से ही निकालते हैं इस तरह से, क्योंकि छोटी काफ़ी छोटी वायर है। तो इसको हम अंदर से निकाल के इस तरह से, ये आ गई तार और ये आ गई बाहर तार हमारी, ये देखिए। अब इसको अंदर से लगा देते हैं दोस्तों ताकि ये बार बार टाइट ना हो। तो इसको हम अंदर से इस तरह से फिक्स कर देंगे बढ़िया से, ये देखिए।
तो ये दोस्तों अंदर से लगा दिए, अब ये बिल्कुल भी नहीं निकल सकती है वायर इतनी जल्दी, क्योंकि इसमें अब खिंचाव तो कोई किसी चीज़ का पड़ेगा नहीं, तो इसलिए अब निकलेगी नहीं। और इसको हम अंदर से ही ऐसे ऐसे फिक्स कर देंगे इसको अच्छे से। ये देखिए, ये पहले मैंने बाहर से लगाई थी इसलिए दोस्तों इसमें काफ़ी खिंचाव पड़ रहा था, अब क्या किया है मैंने अंदर ही फिक्स कर दी है। चलिए इसको करते हैं बंद, ये हो गया बंद। इसको चला के दिखा देते हैं आप लोगों को एक बार, वर्क करती है कि नहीं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा इसका मोटर काफ़ी ही ज़्यादा पावरफुल होता है और ये मैंने रिपेयर कर दिया है। इसी तरह से दोस्तों आप लोग भी अपने घर पे ऐसे अच्छे से रिपेयर कर सकते हैं। इसको रिपेयर करना कोई ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं दोस्तों, इजीली है। हाँ अगर काफ़ी कुछ जैसे मोटर सड़ जाए या कुछ हो जाए, अगर आपको घर पर नहीं समझ में आ रहा किसी इसके बारे में कोई काम, तो उसको आप हम ले जा सकते हैं मैकेनिक के पास, वरना नहीं तो घर पर रिपेयर कर सकते हैं। छोटे मोटे काम दोस्तों घर पर कर लो तो ज़्यादा बेटर रहता है, इसलिए मैंने दोस्तों इसको घर पर रिपेयर करना सीखा है और मतलब कोशिश की है रिपेयर करने की। सीखा तो क्या ही मैंने, कोशिश की। और कोशिश करो, अगर उसमें घाटा भी होता या मतलब आपको नहीं भी पता चलता तो कुछ ना कुछ तो समझ सीखने को तो मिलेगा ही मिलेगा जरूर। चलिए इसको हम बंद करते हैं फटाफट। चलिए दोस्तों मैं अपने वैक्यूम क्लीनर को जो है कि रिपेयर कर लिया घर पे ही और आप लोगों को चला के भी दिखा दिया था। चलिए अब फाइनली टेस्ट इसका कर लेते हैं, चला लेते हैं, देखते हैं कैसे सही हुआ है कि नहीं सही हुआ बंद करने के बाद। तो ये मैंने इसका जो पोटली थी वो भी रख दी है अंदर और इसको करते हैं बंद। चलिए इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं, चला लेते हैं।